तो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब ठीक है आप लोग। और हिस्टोरिकल अंडमान में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज का वीडियो एक अनबॉक्सिंग के लिए है। तो ये है प्रोडक्ट जो आया है, आप देख सकते हैं, ये सफ़ी भाई की तरफ से एंगलर चॉइस। और मैंने कुछ फिशिंग प्रोडक्ट मंगाया है जिसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने ये सामान जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू में भेजा था। और जैसा कि यहाँ पे स्पीड पोस्ट का सर्विस उतना अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। इवन लास्ट टाइम मेरा 10,000 का नुकसान भी हो गया था, सामान चोरी हो गया था। तो मैं इस बार भी डर रहा था जब सभी भाई ने भेजा मुझे ये रिसिप्ट का कॉपी, तो मैं थोड़ा डर भी रहा था कि पता नहीं पोस्ट ऑफिस से आएगा कैसा आएगा। खैर, बट इनका जो पैकेजिंग था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं है। और ये पूरा पीवीसी पाइप के अंदर में इन्होंने भेजा है, तो स्टिक भी आपका डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं है। अभी हम हिस्टोरिकल अंडमान में कुछ फिशिंग्स का वीडियोज़ भी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि इसके अंदर के कंडीशन क्या है और क्या प्रोडक्ट मिला है हमको। तो आइए शुरू करते हैं। पैकेज बहुत जबरदस्त पैकेजिंग है, मतलब लास्ट टाइम मेरा जो सामान चोरी हो गया था, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए मैंने सामान मंगाया था, तो वो तकरीबन 10,000 से 20,000 का था जो मुझे मिला ही नहीं। और इसके लिए मैंने कंप्लेन भी रेज किया था, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इवन मैंने मीडिया को भी बुलाया था, तो खैर सरकारी जो विभाग है पोस्ट ऑफिस, उनसे बहस करके कौन जीत सकता है ना। तो ये हमारा बॉक्स जो है ये खुल चुका है। तो सॉरी वो पोजीशन पे एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट था, बाहर से लाइट है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो मैं शाम के वक्त कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बॉक्स का तो मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया पैकिंग आया। और उसके बाद इसके अंदर जो सामान है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लोकाना का कंटेनर बॉक्स है, ठीक है। इस पे आपका बेनिफिट ये है, ये बॉक्स देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 इस तरफ और वैसे ही 7 इस तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप इतना सामान इसमें रख सकते हो। एक छोटा सा और एरिया है जहाँ पे आप इसको कुछ ना कुछ रख सकते हो, और इसमें ल्यूर्स वगैरह, अपने हुक्स, ये सब आप इसमें रख सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अच्छी ड्यूरेबल है, ठीक है। पकड़ने के लिए आपको हैंडल दिया गया है, तो ये लुकाना का है, ये बहुत अच्छा भेजा है आपने, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट है ये हैंड कास्ट। तो ये हैंड कास्ट का देखिए, ये ऐसे इसको होल्ड किया हमने, एंड यहाँ पे भी टिप है ना, गाइड टिप है इसमें। तो जैसे कि सफी भाई ने बताया था कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई गेस चल जाएगा, काम चलेगा, ठीक है। ये हैंडल से, ये हाथ से रोटेट करना ज़रूरी नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा। तो चलिए ये हो गया नेक्स्ट आइटम। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये जो बैग है, ये रॉड बैग है, ये पुली स्पंज है इसमें, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, एंगलर्स चॉइस, बहुत अच्छी बैग है। मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि ये बैग को सिर्फ ट्रैवल के टाइम पे, बट जिस तरीके से सफी भाई ने भेजा है ये पीवीसी पाइप के अंदर रॉड्स को, तो मैं सोच रहा था कि उसमें ही कुछ उसको मॉडिफाई करके, वैसे वो ज़्यादा सेफ लग रहा था मुझे। ये एक दूसरा बैग है, तो मैंने दो बैग मंगाए थे। के बाद बॉक्स में है ये
वायर लीडर है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर बैराकूडा वगैरह यानी आप सॉल्ट वाटर का फिशिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्रेडेड लाइन जो होता है वो जल्दी से टूटता नहीं है आसानी से, बट कटने का डर रहता है, ठीक है। तो ये मैंने मंगाया है, 10 पीस का सेट है। और इसके बाद ये आया है, कुछ टिप्स मैंने मंगाया था क्योंकि मेरे पास पुराने रॉड्स पड़े हैं जिसका टिप्स का इशू था, तो मैंने ये टिप्स भी मंगाया था। अब देखते हैं इसमें कैसे सेट किया जाता है इसको, यूट्यूब वगैरह में सर्च करेंगे इसके लिए भी, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ये ग्लव्स जो कि लोकाना का ही है ना, और ये फुल्ली लेदर है सामने और पीछे ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली, और ये बहुत ज़रूरी भी है हर एंगलर्स को, है ना, एकदम मस्त वाला है ये, तो मेरे लिए परफेक्ट है ये, और साइज़ वगैरह एकदम फिटिंग्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये दो पेयर, सॉरी एक पेयर मंगाया मीडियम साइज़ का मैंने, और इसके बाद सबसे बढ़िया इसका भी जो कवर है ये भी बहुत अच्छा है, जिप लॉक है इसमें और सेफ रहेगा, मतलब यहाँ वहाँ घूमने का कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद है ये लुकाना का ही ग्रिपर, लिप ग्रिपर जो होता है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ लिप ग्रिपर। तो जैसा कि साफी भाई ने बताया था, तो उनका प्रोडक्ट भी वैसा ही है जैसा बोलते हैं वैसा ही है। ये देखिए ये लिप ग्रिपर है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, तो हो सकता है रस्ट रस्ट थोड़ा बहुत पकड़ ले, क्योंकि अंडमान में आपको सी वाटर में ही फिशिंग करते हैं, लेक वगैरह यहाँ है नहीं, फ्रेश वाटर जो मच्छी पालन का काम करते हैं उनका पॉन्ड में ही होता है, तो चांसेस बहुत कम है यहाँ पे फ्रेश वाटर के लिए, तो हमारा पास ऑप्शन नहीं है, हमको समुद्र पे ही मच्छी पकड़ना है। नेक्स्ट, ये मैंने कुछ कलरफुल रिबन्स मंगाए थे, इससे मैं खुद से जो हुक होता है वो बनाऊंगा, ये आप हम लोग चालू लाइन बोलते हैं, मींस चालू लाइन मींस चलती हुई बोट पे पीछे से डाल देते हैं, रनिंग बोट पे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मंगाया था, 4-5 पीस और भी होगा बॉक्स के अंदर, और इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद है ये फ्लेयर, ये फ्लेयर भी बहुत अच्छी है, तो ये नाइफ है, अच्छी शार्प भी है, ठीक है, ऐसे ओपन हो, यस, तो ये बहुत ज़रूरी है हर एंगलर के लिए, है ना। चलिए, और इसके साथ सबसे बढ़िया है ये जो इसका बैग है, इसका होल्डर है, ये इजीली आपका बेल्ट में आ जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और रिबन तो खैर मैंने आपको दिखाया, दो ब्रेडेड लाइन मंगाए थे मैंने, तो ये है 0.32 mm का है और नैनो ब्रेड लाइन है, ये आप देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है 40 LV, यानी तकरीबन 20 किलो तक का आप इससे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, खैर ये 100 मीटर ईच है, तो दो लाइन ये मैंने मंगाया था, और ये एक छोटा सा ल्योर है, इसको ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते कहाँ खेल सकते हैं इसके लिए, तो ये छोटा सा है, अच्छा है, 4.5 ग्राम का है, ठीक है। बट सबसे जो मज़ेदार है ल्योर, ये ल्योर्स, ये एकदम ओरिजिनल मछली जैसी होती है, तो ये मैंने पहले यूज़ किया सी वाटर पे, बहुत अच्छा काम करता है ये, तो इस बार मैंने 4 पीस मंगाए हैं, अलग अलग कलर्स पे भेजा है सफी भाई ने, हालांकि मैंने कोई कलर नहीं बोला था, बट उन्होंने अपने से भेजा, बहुत अच्छी लगी ये। नेक्स्ट आता है हमारा, चलिए, तो ये लुकाना का प्रेडेटर है 6000 SE, ठीक है, तो 6000 SE का चलिए देखते हैं, डिज़ाइन एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब ये जो मटेरियल है ये शायद फाइबर है, आई डोंट नो, मुझे इसका उतना आइडिया नहीं है, और ये अभी तो फिलहाल लेफ्ट हैंडेड है, इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, ठीक है, और मुझे राइट हैंड से खेलना ज़्यादा चलता है,
और ये इसकी इसका आप साउंड सुन लीजिए, ठीक है? तो अच्छा है, ज़्यादा ये नहीं है, बढ़िया है। ड्रैग कैपेसिटी इसकी आई गेस 12-13 केजी तक का है। तो ये लुकाना का है, 6000 प्रेडिएटर है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो इसको सॉल्ट वाटर में करने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये एक्चुअली सॉल्ट वाटर के लिए है, फ्रेश वाटर के लिए है, क्योंकि मैं एकदम नया हूँ। आप बोल सकते हो मैं फ्रेशर हूँ, बट मेरे पास, मैं पहले छोटा मोटा रील्स यूज़ करता था मैं, तो इस बार आप लोगों का वीडियो देख देख के थोड़ा सा प्रेरित हुआ हूँ, है ना? तो उसी प्रेरित के चक्कर में इतना सारा सामान मंगा दिया। नेक्स्ट है, ये है लुकाना का रेनो 2 6000 एसी में, ठीक है? इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, ये मुझे प्रेडिएटर से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बट सेम बॉडी का भी मुझे पता नहीं है ये क्या है, प्लास्टिक है क्या है। ये भी लेफ्ट हैंडेड है, इसको हम राइट हैंडेड करेंगे, ठीक है? और इसका भी गियर रेशियो देखिए, बहुत अच्छा है ये। इसमें आप अप टू 0.45 का लाइन डाल सकते हैं, जो कि 135 मीटर तक आएगा, है ना? चलिए, ये हो गए। इसके बाद देखिए, ये सब चीज़ जो है पूरे शॉप के लिए होता है, तो कभी भी चीज़ को सही से रखेंगे तो काफ़ी लंबा चलेगा। रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड है, आपका चीज़ है, आप कैसे भी रखें। तो ये नेक्स्ट आया, देखिए बहुत अच्छा पैकिंग के साथ में, इसमें दो रॉड्स है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं जो नॉर्मल वाला रॉड है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इस जितना भी मेरा सॉलिड फाइबर का रॉड है उसको मैं इसी CPVC पाइप के अंदर में इसको कुछ होल्डर बना के इसको सेट करूंगा। और ये जो बैग है, ये जो थोड़ा कॉस्टली रॉड्स है उसके लिए बहुत अच्छा है, देखने के लिए भी अच्छा है। तो ये है सॉलिड फाइबर रॉड मेरे पास ऑलरेडी, ये सेम है 8 फिट का, ठीक है? ये है क्रोकोडाइल 240, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये क्रोकोडाइल 240 का है, ठीक है? अच्छा है ये भी। एंड मैंने थ्रेडेड का ऑप्शन मांगा था बट आउट ऑफ स्टॉक था उस टाइम, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि अभी कलेक्शन करना मींस मैंने एक्चुअली अभी प्लान किया है हिस्टोरिकल अंडमान ट्रैवल टेल ब्लॉग्स में, जो कि हालांकि मैं टूर के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो नेक्स्ट मेरा प्लान है टूर के साथ साथ अंडमान की सी में फिशिंग का भी कुछ वीडियोस को ऐड किया जाए। तो अगर करना है तो अच्छे से करेंगे, तो उस हिसाब से कलेक्शन अपना तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये आया है, ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया, देखते ही एक नज़र में, बोलते हैं ना पहला नज़र में प्यार हो गया, तो वैसा वाला है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 सेक्शन है, 1 2 3। तो ये जो 3 सेक्शन है 1 2 3, तो इसमें क्या है ये देखिए, ऐसे है। तो वो ये जो 3 सेक्शन है, देखिए सबसे पहले इसमें ये 1 पीस, ये 2 पीस और ये 3 पीस। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये 2 अलग सेट है। 2 अलग सेट कैसे? अगर आप लाइट वेट फिशिंग करना चाहते हैं तो इसकी खासियत है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी ऊपर फैन चल रहा है, यहाँ पे देखिए H लिखा हुआ है ना? तो ये H का मतलब है हैवी। और सेम इसका दूसरा स्टिक पे यहाँ पे MH लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मीडियम हैवी, ठीक है? आपको जो चाहिए, आप अपने, आप किस तरह से खेलना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप इस पे उसको सेट कर लीजिए। तो ये जो है हंटिंग ब्लैक का है, हंटिंग ब्लैक का, जो मुझे देखते ही ये मुझे पसंद आ गया था एक्चुअली। तो फर्स्ट टाइम जैसे स्टॉक पे आया मैंने पहले इसको ही ऑर्डर किया, और इसको ऑर्डर करने के बाद में जैसे मुझे कंफर्मेशन मिला है तो मैंने फट से इसको बुक कर दिया। बट ये बहुत लाइट वेट है, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है?
तो इसको रखने के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और कैरी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इजीली इसको कैरी करके कहीं भी जा सकते हो, ना कोई तकलीफ है। नॉर्मली जनरली जो होता है, जो क्रोकोडाइल वाला मैंने आपको दिखाया वो अच्छा खासा हैवी है, सॉलिड फाइबर है, अच्छा खासा हैवी है वो, तो ये वैसा नहीं है। आप कह सकते हो उसका हाफ वेट भी नहीं है ये तीनों मिलाकर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और इन केस अगर कभी मान लीजिए आपका एक टूट भी आता है टिप, तो एटलीस्ट दूसरा रहेगा, मतलब आपका नुकसान होने का चांस बहुत कम है, बहुत। तो इतने सारे प्रोडक्ट के देखिए, इसको तीनों को अलग कर दिया मैंने और इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे जैसे भी चाहे, मैंने तो अभी ऐसे ही बांध दिया क्योंकि मैं इसको भी कल पैक करने वाला हूँ सही से। एक्चुअली मैंने इसका जो स्टैंड है वो भी मंगवाया था, बट भाई के पास स्टॉक नहीं था, और मैंने उनको बोला भी है कि जैसे ही आता है आप प्लीज़ मेरे एड्रेस पे भिजवा दो, पर सिर्फ पेमेंट बोल दो कि भैया हाँ आपका कुरियर कर रहा हूँ, आप ये पेमेंट भेज दो, मैं लेने को तैयार हूँ, ठीक है। पूछने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे चाहिए चाहिए। एनीवेज इतने सारे प्रोडक्ट के साथ में सभी भाई ने मुझे कुछ गिफ्ट भी भेजा। एक्चुअली मैंने हैट मांगा था तो हैट उनके पास स्टॉक में नहीं था, तो उन्होंने गिफ्ट में मुझे ये कैप भेजा है एंगलस चॉइस का। खैर कैप अलग बात होता है, बट सभी भाई हैट आते ही तो जल्दी थोड़ा अपडेट कीजिएगा। बहुत अच्छी कैप है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये एक भेजा है फिंगर और सिंगल ग्रिप जो होता है ग्लव्स टाइप का। आई डोंट नो, ये अगर आप लाइन खेलते हैं तब काम आता है शायद, सिंगल हैंड लाइन खेलते हो जब आप, या वो जो मैंने दिखाया हैंड कास्टिंग वाला, तो कुछ इस प्रकार का होता है ये आई गेस, मुझे उतना ये नहीं है इसका, ठीक है। और आई गेस मेरा, हाँ यस, ये उसके लिए ही है। तो ये एक सभी भाई ने मुझे गिफ्ट में भेजा है, इसका उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये कुछ सिविल्स भेजे हैं जो मैं एक्चुअली ऑर्डर करना था मुझे और मैं भूल गया, बट उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये भेज दिया। थैंक यू सभी भाई, थैंक यू सो मच। आपके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सारी क्वालिटीज अच्छी है, स्पेशली मैं तारीफ करूंगा आपका पैकिंग के लिए, क्योंकि ये जो पैकिंग होके आया है इसमें कहीं भी कोई छेड़खानी नहीं कर सकता था, ऐसा पैकिंग था। क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस से मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुका था, मैं डर रहा था एक्चुअली, सफ़ी भाई क्या आप इसमें ही भेज दिए पोस्ट ऑफिस में, या दो पैसा ज़्यादा ले लेते, कुरियर में भेज देते, है ना। मगर चलिए कोई नहीं, सब ऊपर वाले की दुआ से सब सही सलामत पहुंच गया। बहुत अच्छा लगा कि सामान मेरा पहुंच गया, मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। और बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा फिशिंग पे जाता हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोट पे ही जाते हैं, बोट पे हमारा फिशिंग होता है यहाँ पे। तो सफी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर इतना कुछ के लिए, जो आपने टाइमली ऑर्डर पे ही आपने इसको कुरियर करवा दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ आते ही थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ सामान मंगाओ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे वीडियो में। अगर आप चाहें अंडमान घूमना तो मेरे चैनल है हिस्टोरिकल अंडमान ट्रैवल टेल ब्लॉग्स, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब उसमें एक और नया सेशन शुरू होगा फिशिंग का, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।